ओम शांति। आप सभी का अनुभूति सैन फ्रांसिस्को जूम से स्वागत है। आज हमारा सौभाग्य है कि डॉक्टर सचिन भारत से हमारे सामने मौजूद हैं, तो उनके लिए हम कहेंगे अर्ली गुड मॉर्निंग करेंगे और आपके लिए कहेंगे गुड इवनिंग। सुबह सुबह का इतना कीमती टाइम होते हुए भी भाई ने टाइम निकाला है आप हम सबके सामने मौजूद होने के लिए, तो हम दिल से उनको थैंक यू बोलते हैं। तो आपका अधिक समय न लेते हुए हम दिल से सैन फ्रांसिस्को अनुभूति जूम में भाई का स्वागत करते हैं। पिछले बार हमने इंट्रोडक्शन टू चक्रा हीलिंग देखा, उसके बाद कई लोगों ने मुझे व्हाट्सअप किया और बहुत सारे प्रश्न पूछे। आज भी कई सारे नए लोग ज्वाइन हुए हैं ऐसे मैं देख रहा हूँ, और मुझे कई लोगों ने कहा है कि हम आज ज्वाइन करेंगे करके, तो उनके लिए हम फिर से थोड़ा एक क्विक रिव्यू करेंगे चक्रास के बारे में। बहुत सारे प्रश्न है, खास करके बुद्धिजीवी लोगों के हैं, वो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन चाहते हैं इस चक्रा के बारे में, क्योंकि साइंस पहले ये कहते था कि जो दिखाई देता वही सच है, जो नहीं दिखाई देता वो सच नहीं है। और ये चक्रा के बारे में कुछ ऐसा ही है कि ये आंखों से नहीं दिखाई देते, इसलिए थोड़ा स्लाइड्स को हम रिवाइज करेंगे, इम्पोर्टेंट स्लाइड्स, और फिर आज का सेशन चालू करते हैं। तो हमने चक्रा के बारे में देखा कि बहुत सारी हमारे जो ऋषि मुनि थे उनके पास दिव्य दृष्टि थी, जिससे वो ऐसी चीजें देख सकते थे जो आजकल हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते, तो सुश्रुत के बारे में हमने देखा। फिर आयुर्वेद में जो पांच कोश है उसके बारे में बताया था, अन्नमय कोश से आनंदमय कोश तक, दीज आर द लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस, और इसको हमने देखा था इसके पीछे कनेक्शन क्या है, एनर्जी बॉडी क्या होती है, इमोशनल बॉडी या मेंटल बॉडी या विजडम बॉडी या ब्लिस बॉडी क्या होती है। बहुत सारे एनर्जी हीलिंग्स इस समय अवेलेबल है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। एलोपैथी इसको किस तरह से देखता है, एलोपैथी बहुत ग्रॉस साइंस है, वो तो पहले मन को भी स्वीकार नहीं करता था। जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज जब से आए हैं एलोपैथी में, मैं खुद एक एलोपैथी डॉक्टर हूँ, तो हम समझते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करना ही हमारा काम है, लेकिन उसके आगे भी कई सारी बातें हैं, मैं अभी समय के अभाव से यहाँ नहीं ले रहा हूँ। लेकिन एलोपैथी में कुछ अच्छी बातें हैं कि ये सब ग्लैंड्स है जो एलोपैथी ने ढूंढ के निकाले, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमने देखा मेल और फीमेल में। फिर दूसरी जो आंखों से दिखाई देती है वो बात है, ये प्लेक्सस होते हैं, माने ग्रुप ऑफ नर्व्स हमारे ब्रेन के अंदर, ब्रेन से लेके स्पाइन तक, और जितने भी चक्र वर्णन किए हुए हैं योगा में वो इनके साथ कोरिलेट होते हैं। तो गर्दन से लेके छाती में, कमर में, उसके नीचे कहाँ कहाँ ये प्लेक्सस होते हैं उसके बारे में हमने देखा। ये चित्र हमने देखा कि कैसे ये चक्र घूमते रहते हैं, दीज आर वॉर्टिसेस कंटिन्यूसली। अभी ये भी आपको इन आंखों से नहीं देख सकते आप, लेकिन आप इन्हें महसूस कर सकते हैं, हम इन चक्रों को फील कर सकते हैं हमारे उंगलियों से। और जब भी हीलिंग दिया जाता है फिजिकली या डिस्टेंट, तो इन चक्रों को हम पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। और जो लोग चक्रा हीलिंग को डिनाय करते हैं, कहते कि ये सब ठीक नहीं है, मना ये अंधश्रद्धा है, तो बेसिकली दे आर डिनाइंग देयर लाइफ, क्योंकि हम सब आशीर्वाद लेते हैं तो आशीर्वाद एक प्रकार का चक्र हीलिंग है। हम ऐसे हाथ करते हैं, सिर के ऊपर ऐसे हाथ रखते हैं, दिस इज ऑल एम्पावरिंग दिस चक्रास, इन चक्रा को एनर्जी देना हुआ और वहां से ब्लॉकेजेस निकालना हुआ। तो हर एक ने अपने शक्ति के अनुसार इसको समझा है,
जैसे हमको परमात्मा ने बताया कि पहले आत्माओं में बहुत शक्ति थी, अभी वो शक्ति कम हो गई है, तो हमको ये सब बातें समझ में नहीं आती और इसके ऊपर ज्यादा आज के साइंस के हिसाब से उतना स्टडी नहीं हुआ है, लेकिन अभी लोग इसको स्वीकार करने लगे हैं। मैं ये आपको बता रहा हूँ कि डायनेमिक चक्र इस तरह से चल रहे होते हैं, वेदर यू एक्सेप्ट इट और नॉट, लेकिन आप जैसे इसको फील करना चालू करोगे तो आपको पता चल जाएगा, आप कंटिन्यूसली आप एनर्जी एक्सचेंज में रहते हैं। तो ये भी हमने देखा, ये सब कलर्स के साथ देखा, वायलेट से रेड तक ये चक्र कैसे आगे और पीछे होते हैं। और डेली चक्र हीलिंग आपको करना है तो जैसे परमात्मा हमको कहता है, सबसे दुआएं लेना सीखो। सो दुआएं लेना, ब्लेसिंग लेना, आशीर्वाद लेना, ये है चक्र हीलिंग। तो ये फिजिकल फॉर्म में ट्रेडिशनली आता जा रहा है कि रोज सुबह उठ के हम बड़ों के पैर छूते हैं, तो बड़ों की जो दुआएं है, ब्लेसिंग है, हमारे चक्रों को ओपन करती है। इसके पीछे भी साइंस हमने देखा कि स्पाइन में यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से आप चार्ज करते हैं तो पूरा स्पाइन के अंदर के चक्र ओपन अप हो जाते हैं। फिर हमने देखा इसको हम डेली लाइफ में कैसे कनेक्ट करें, तो हम जिन भी लोगों से मिलते हैं, हर एक आत्मा की अपनी एनर्जी होती है। यहाँ पे तो आजकल लोग एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि कुछ ऐसे कैमरास निकले हैं, रशिया ने डेवलप किए, जिसको किरलियन कैमरास कहते हैं, जिसके वजह से ऑरा को एक्सेप्ट करने लगे हैं। अगर आप ऑरा को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप एनर्जी बॉडी को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं और हम इसको फील कर सकते, बहुत अच्छी तरह से फील कर सकते हैं। तो हम जिन भी लोगों से दिन भर मिलते हैं उनकी एनर्जी हमारे पास आती है, हमारी एनर्जी उनके पास आती जाती है। यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत अच्छी धारणा मैं फिर से रीअफर्म करना चाहूंगा कि सभी शास्त्रों में लिखा हुआ है कि आपका संग अच्छा रहना चाहिए। संग अच्छा रहना चाहिए माना क्या, हम कहते हैं कि पॉजिटिव लोगों की कंपनी में रहो और निगेटिव लोगों की कंपनी से दूर रहो। ये क्यों कहते हैं, क्योंकि निगेटिव एनर्जी वाले लोग, कुछ व्यक्तियों ने इसको शब्द इस्तेमाल किया, दे आर एनर्जी सकर्स, माना वो आपकी एनर्जी को खींच लेते हैं। कॉन्वर्सली और एक बात होती है कि वो आपके एनर्जी को ब्लॉक करने के निमित्त बन सकते हैं। इसीलिए कुछ लोगों को ये इंट्यूटिवली पता चलता है, स्पेशली फीमेल्स आर वेरी अवेयर अबाउट देयर एनर्जीज एंड द एनर्जीज ऑफ अदर्स। ऐसे नहीं कि मेल नहीं है, लेकिन अवेयरनेस ज्यादा होता है, तो क्योंकि राइट ब्रेन वाले होते हैं, हम आने वाले राइट और लेफ्ट ब्रेन के ऊपर। आप जब भी किसी व्यक्ति को मिलते हैं आप उसकी एनर्जी को फील करना चाहिए कि वो आपको एनर्जी आपसे खींच रहा है, ड्रेन आउट हो रहे है क्या आप। तो इसीलिए संग का महत्व बताया है। संग केवल व्यक्तियों का नहीं होता है, संग जगह का भी होता है। कुछ जगह में भी ऐसी एनर्जीज होती है जो हमको दिखाई नहीं देती है, पर वहां जाने के बाद या तो हम डिप्लीटेड महसूस करते हैं या हम एनर्जेटिक महसूस करते हैं। इसके ऊपर भी हम देखने वाले हैं। और वेरियस इमोशनल स्टेट्स में हमारी एनर्जी अलग अलग तरीके से काम करती है, तो ये सब एनर्जी एक्सचेंज है और कंटिन्यूसली हमारे अंदर से एनर्जी एक्सचेंज हो रहा होता है। भारत में प्रथा थी नमस्कार की, शेक हैंड की, ये सब एनर्जी एक्सचेंज है। तो चक्र हीलिंग हम डेली कर रहे होते हैं, सिर्फ अननोइंगली कर रहे होते हैं। जब हम नॉलेज के साथ करते हैं, नॉलेज के साथ चक्र हीलिंग करते हैं, तब हमको बहुत पावर मिलती है। एवरी सब्सटेंस इन द यूनिवर्स हैज एनर्जी, हर पदार्थ के अंदर एनर्जी होती है, सिर्फ वो एनर्जी को हमको फील करना आना चाहिए और फिर उस एनर्जी को हम यूज करना चालू कर देते हैं। और जैसे हमारे चक्र ओपन अप होते हैं, बैलेंस में होते हैं, तो हम हायर डायमेंशंस में चले जाते हैं और फिर हायर डायमेंशन से हमारे पास अलग अलग पावर्स आती है, उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं।
ये मैंने बताया कि क्यों कुछ लोगों को इन्फेक्शन नहीं होता है। हमारे बहुत सारे बीके डॉक्टर्स हैं जिन्होंने कोविड में सेवा दी बहुत अच्छी तरह से, और मैंने पिछले बार एक एक्सपीरियंस भी सुनाया। हमारे बीके डॉक्टर है, यूरोलॉजिस्ट है, उनका हॉस्पिटल है ग्वालियर में, इंडिया में। उनका बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस है, विदाउट मास्क कैसे उन्होंने सेवा की, और किसी को भी ना उनको ना उनके स्टाफ को इन्फेक्शन हुआ। ये परचुरे शास्त्री जिनको लेप्रसी हुआ था, जब लेप्रसी की दवा ही नहीं थी, महात्मा गांधी जी उनके वुंड हीलिंग करते थे, ड्रेसिंग करते थे, लेकिन महात्मा गांधी जी को लेप्रसी नहीं हुआ। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैसे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है जब हमारे चक्र पॉजिटिव होते हैं। एनर्जी के साथ इसको जोड़ा, फिर हमने ब्रह्मा कुमारी नॉलेज के आधार पर इन सात चक्रों को देखा है। इंटरेस्टिंगली सात चक्र है और हमारे सात गुण है जो आत्मा के है, तो हमने देखा कि कैसे पावर, प्यूरिटी, हैप्पीनेस, लव, पीस, नॉलेज एंड ब्लेस, इसके साथ ये सातों ही चक्र जुड़े हुए हैं। और हमने देखा कि एक एक गुण को लेते हुए, एक एक शक्ति को लेते हुए हम इन चक्रों को एम्पावर कर सकते हैं और इनके परे जा सकते हैं, ये भी हमने देखा। और इसका निगेटिव साइड भी देखा, जैसे इसका पॉजिटिव साइड है तो इसका निगेटिव साइड भी है। तो आज का चक्र हम देखने वाले हैं, ये सब चक्र के बारे में हमने सरफेस में टच किया था, और ये इटरनल एनर्जी का डांस हमने देखा, शिव शक्ति का हमने देखा कि कैसे सतयुग के देवी देवताओं के चक्र ओपन रहते हैं कंटिन्यूअसली। दिस इज वॉट वी हैव सीन। अभी हम इसके आगे जाते हैं, इतना मेरे ख्याल से काफी है आज। इस ये जो ईडा पिंगला नाड़ी है जो शास्त्रों में लिखी हुई है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। ये दो एनर्जी चैनल्स है, राइट एंड लेफ्ट, है ना, ईडा और पिंगला कहते हैं। तो राइट एंड लेफ्ट चैनल, एक सूर्य नाड़ी होती है, एक चंद्र नाड़ी होती है, और कैसे ऋषि मुनियों ने इसको ढूंढ के निकाला इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो ये हमने लास्ट टाइम देखा था, हमने पर्पस ऑफ चक्रा भी देखा था, नाड़ी के साथ चक्रा देखा था। ये चित्र को हम फिर से देखेंगे आज, ऑरस के बारे में हमने देखा था, फिर एलिमेंट्स के साथ चक्रों को जोड़ा गया, ये भी हमने देखा था कि कैसे पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, ये शरीर में अगर हम ऐसा हाथ रखते हैं तो पृथ्वी, फिर जल, अग्नि, वायु और आकाश, इसको हमने देखा था। फिर कैसे मन, बुद्धि, अहंकार, उसके आगे हम गए थे। प्लैनेट्स के साथ इसको जोड़ा गया है, और केतु और राहु दोनों हाथों में भी इसका कनेक्शन डाल दिया गया है। फिर मुद्राओं का हीलिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और हर एक चक्र का कर्मा के साथ जोड़ा गया है, जैसे आज हम देखने वाले पास्ट कर्मा के बारे में। और हर चक्र के लिए एक थॉट दिया गया है जिससे आप उस चक्र को एम्पावर कर सकते हैं, उसको शक्तिशाली बना सकते हैं। फिर हमने राजयोग मेडिटेशन देखा था, कुछ प्रश्न लोगों ने पूछे थे, उसके लिए मैंने एक स्लाइड डाल दी है। थोड़ा साइंस को हम देखेंगे क्योंकि हम कलर्स के बारे में आज जानने वाले हैं, हर चक्र का एक कलर होता है। तो थोड़ा जिनको साइंस के बारे में ज्यादा पता नहीं है उनके लिए बता दे कि हमारी ये जो आंखें हैं, ये आंखें केवल एक स्पेक्ट्रम को देखती है, हमको कुछ कलर ही दिखाई देते हैं, और उनका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो अराउंड 380 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर्स तक होता है। इसको कहते हैं विजिबल लाइट, माना जो हमको आंखों से दिखाई देती है उसको विजिबल लाइट कहते हैं, या जिसको शॉर्ट फॉर्म में विब्जॉर करके कहते हैं। तो एक तरफ वायलेट है, एक तरफ रेड है, और ये कलर्स के शेड्स हमको दिखाई देते हैं। कुछ लोगों को जो कलर ब्लाइंड होते हैं उनको ये भी कलर दिखाई नहीं देते इसमें से कुछ, इसलिए स्पेशली ड्राइवर्स को कलर सेंसिटिव होना बहुत जरूरी है। हमारे जो सिग्नल पे लाइट होते हैं उसको भी बहुत सोच समझ के बनाया गया है, रेड, येलो एंड ग्रीन, ताकि हम देख सके अच्छी तरह से। तो ये हमारे आंखों का लिमिटेशन है, ये हमको केवल यही कलर दिखाई देते हैं, इसको कहते हैं विजिबल लाइट। लेकिन वायलेट के
आगे भी है, उसको अल्ट्रावायलेट कहते हैं, और रेड के भी इस तरफ है, उसको इंफ्रा रेड कहते हैं। ये हमको दिखाई नहीं देते आंखों से, जैसे एक्सरेज है, गामा रेज है, कॉस्मिक रेज है, ये हमको दिखाई नहीं देते। और जैसे जैसे आप जागरूक होते जाएंगे, जैसे जैसे आप योग की उच्च अवस्था में जाने लगेंगे, आपको बहुत सारे एनर्जीज को आप फील करना चालू करोगे। आप बहुत नेचुरली सेंसिटिव होने लगेंगे अबाउट दिस एनर्जीज। तो पावर्स कौन से आते हैं, जैसे दो पावर्स के बारे में मैं आज बताऊंगा। जैसे आंखों का है, वैसे कानों की भी शक्ति लिमिटेड है। कानों में भी हमको वही आवाज सुनाई देता है। ये इंद्रियों का लिमिटेशंस मैं आपको बता रहा हूं। तो कई मॉडर्न साइंस वाले केवल इंद्रियों के तक ही अपने को सीमित रखते हैं और वो कहते हैं यही सच है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज का साइंस ने हमको बताया कि कई सारे मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, जिनके अंदर ये पावर होती है कि वो सब देख लेते हैं जो हम देख नहीं पाते। जैसे ईगल्स कई किलोमीटर्स तक देख सकते हैं, ये उनकी पावर है आंखों के अंदर। हमारे आंखों के अंदर दो पेशियां रहते हैं जिसको रॉड्स और कॉन्स कहते हैं, एक डिम लाइट में देखने वाली, एक कलर को देखने वाले। कॉन्स कलर को देखते हैं, डिम लाइट में रॉड्स देखते हैं, लेकिन हम अंधेरे में देख नहीं पाते हैं। लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छी तरह से अंधेरे में देखते हैं। दीदी ने अभी शुरुआत में कहा ना, ये हिंदी भाषा में ही आया हुआ है कि इस विषय पर प्रकाश डाले है। माना ये विषय अभी अंधेरे में है, आप अंधेरे से इसको लाइट में लेके आओ, प्रकाश में लेके आओ, ताकि हम देख सके, हम उसको फील कर सके, हम उसे महसूस कर सके, हम उसे समझ सके। तो ये पावर्स है, और ये दो पावर्स आती है योगियों में, जिसको कहा गया है, आप इसको देख सकते हैं गूगल पे। इसको कहते हैं क्लेरवोयंस एंड क्लेर ऑडियंस। क्लेरवोयंस माना दूर, यहां से हजारों किलोमीटर दूर तक आप देख सकते हैं, उसको क्लेरवोयंस कहते हैं। और क्लियर ऑडियंस माना आप वो आवाज सुन सकते हैं जो हजारों किलोमीटर तक दूर है। तो ये जस्ट मैं यहाँ पर टच कर रहा हूँ, ज्यादा इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं ये उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो कहते हैं कलर वगैरह कुछ होता नहीं है। यस, वैसे देखा जाए तो कलर होता नहीं है, लेकिन ये स्पेक्ट्रम हमारे इंद्रियों का दोष है कि हमको ये दिखाई देता है। आपको आश्चर्य लगेगा कि सबसे ज्यादा कलर बटरफ्लाई देख लेते हैं। अभी वो आज का सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेट्स कम टू टुडे सब्जेक्ट्स, मूलाधार चक्रा, जिसके अलग अलग नाम है, रूट चक्रा भी इसको कहते हैं। अभी इसको थोड़ा अच्छी तरह से हम समझेंगे। रूट माना जड़े, जिसको कहते हैं रूट, या मूल आधार जिसको कहा गया। पूरे हमारे शरीर का मूल आधार ये चक्रा है। जैसे पेड़ होता है, उसकी जड़े जितने अंदर जमीन में जाती है, उतना वो पेड़ तूफान को हैंडल कर सकता है, डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। मुझे मॉडर्न साइंस की कुछ बातें बहुत अच्छी लगती है। जैसे मॉडर्न साइंस ने अभी ये साइंटिस्ट कह रहे हैं कि जैसे हम बात करके आपस में कम्युनिकेट करते हैं, बातें करके कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे को, ऐसे पेड़ भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। जैसे जंगल में पेड़ है, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। कैसे? भले बाहर से वो दूर है, लेकिन जमीन के अंदर से दे आर कनेक्टेड। दे फील द वाइब्रेशंस एंड द इमोशंस ऑफ द अदर ट्रीज। ये आज के साइंटिस्ट कह रहे हैं, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हम इसके ऊपर आएंगे, उसके पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे रूट्स जाते हैं और वो पेड़ को स्टेबल रखते हैं, ताकि तूफान जब आए तब वो पेड़ जमीन से गिर न जाए, तो वो रूट्स का काम होता है या फाउंडेशन का काम होता है। ऐसे ही ये रूट चक्रा जो है, ये हमारा रूट है, ये शरीर रूपी बिल्डिंग का रूट है। तो कई लोग चक्रा हीलिंग में कहते हैं कि कुछ चक्रा लोअर चक्रा है और कुछ हायर चक्रा है। मुझे लोअर और हायर शब्द पहले से पसंद नहीं है, क्योंकि देर इज नथिंग लाइक लोअर एंड हायर। ये शब्द जो है लोअर एंड हायर, ये समटाइम्स ईगो से आते हैं।
क्योंकि हम दूसरों की तुलना करते हैं कि ये लोअर वाला है, ये हायर वाला है, तो ये तुलना करना ना ईगो का काम है. इट इज नथिंग लाइक लोअर एंड हायर, दोनों की जरूरत है. कहते हैं इट्स लाइक, अगर आप कहते हो कि टॉप चक्रास आर वेरी पावरफुल, इट्स लाइक आप ये कह रहे हैं कि रूफ इज ब्यूटीफुल, रूफ अच्छा है, लेकिन बगैर फाउंडेशन के रूफ का कोई मतलब नहीं है. तो सबकी जरूरत है. जैसे ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान में बताया गया है कि इस विशाल ड्रामा में हर व्यक्ति की जरूरत है. एवरी पर्सन इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि राजधानी में सभी चाहिए. तो आप ये नहीं कह सकते ऊपर वाला अच्छा है, नीचे वाला अच्छा नहीं है. नो, सभी की जरूरत है. तो रूट चक्रा इज द फाउंडेशन. ये शरीर रूपी बिल्डिंग का फाउंडेशन रूट चक्रा है, और ये आधार इसको कहा गया है. इसीलिए अगर आप नीचे देखेंगे तो मैंने 5 S लिखे हुए हैं. ये S शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन. राशि के अनुसार शिव बाबा भी S आता है. यहाँ पे 5 शब्द है जो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है, तो उसमें भी ये आता है, सेफ्टी, सिक्योरिटी, सर्वाइवल, स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ. ये 5ों ही बातें इस चक्र के साथ जुड़ी हुई है. सेफ्टी माने सुरक्षितता, सिक्योरिटी, सर्वाइवल, स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ. अगर इसका निगेटिव इमोशन देखें तो है फियर. फियर यानी डर. जिनका ये चक्र ब्लॉक होगा उनके अंदर डर अत्यधिक मात्रा में होगा. और हम इस समय देख रहे हैं बहुत सारे प्रॉब्लम रूट चक्र में अटक जाने के वजह से, एनर्जी फ्लो नहीं होने के वजह से, बैलेंसिंग नहीं होने के वजह से है इस समय के मेजॉरिटी प्रॉब्लम. क्योंकि इनसिक्योरिटी है ऐसे लोगों में. और इसका कलर है वो रेड बताया हुआ है इस चक्र का. माना हमने जो योग में देखा है ऋषि मुनियों ने, उन्होंने इसको लाल कलर दिया हुआ है. अभी ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है. आप मेरे पीछे जो बैकग्राउंड देख रहे हैं वो परमधाम का है, वो भी कलर लाल है. अगर मनुष्य की पूरी शरीर को देखे तो उसमें जो 5 लीटर खून बह रहा है उसका कलर भी लाल है. परमात्मा भी लाल कलर का है ऐसे कहते कुछ लोग. मुझे तो व्हाइट कलर दिखाई देता है, लेकिन परमधाम लाल है. हमारे शरीर के अंदर जो खून है वो लाल है. और डॉक्टर्स कहते हैं कि खून जब कम हो जाता है उस बीमारी को एनीमिया कहते हैं. एनीमिया माने खून का कम हो जाना. और जब खून कम हो जाता है तो वीकनेस आता है, शक्ति चली जाती है. तो खून कम होना भी ठीक नहीं, खून अत्यधिक मात्रा में जाना भी ठीक नहीं. जैसे हमको बताया जाता है हीमोग्लोबिन अगर ज्यादा है तो भी प्रॉब्लम है, हीमोग्लोबिन कम है तो भी प्रॉब्लम है. तो रेंज होती है उसकी, उसके अंदर होना चाहिए. लेकिन यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम जो है वो वीकनेस का है. और वीकनेस और स्ट्रेंथ एक दूसरे के अपोजिट में है. तो ये चक्र जो है हमको स्ट्रेंथ देता है, शक्ति देता है. और जब भी ये चक्र बैलेंस में रहता है तो हम सुरक्षित महसूस करते हैं, ग्राउंडेड. ये अंग्रेजी शब्द है, ग्राउंडेड, स्टेबल, एनर्जेटिक महसूस करते हैं. हमारा वजन ठीक रहता है. और ये चक्र का अगर लोकेशन देखे, इसका स्थान जो बताया हुआ है जो ऋषि मुनियों ने, वो स्थान है प्रजनन और उत्सर्जन के जो हमारे अंग है उसके बीच में है, जिसको टेक्निकल भाषा में अंग्रेजी में पेरिनियम कहते हैं. तो पेरिनियम एक एरिया है जहां पर हमारा प्रजनन का अंग और उत्सर्जन का अंग उसके बीच वाला एरिया है. वहां पे माने एकदम बेस ऑफ द स्पाइन, यहाँ पे हमारे रीढ़ की हड्डी समाप्त हो जाती है, उसके एकदम नीचे ये चक्र होता है. और जब ये चक्र ठीक तरह से काम कर रहा होता है तब हमारे बॉडी से इलिमिनेशन माना मल या नेगेटिविटी बहुत अच्छी तरह से निकल जाती है. अभी इसको भी बहुत अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि जो भी हम मेडिटेशन करने वाले हैं वो इसी आधार पर करने वाले हैं. थोड़ा मैं साइकोलॉजी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि उसका अपील बहुत होता है लोगों को, क्योंकि ये बातें समझने में थोड़ा टाइम लगता है. लेकिन साइकोलॉजी अपील करती है
एक मैकेनिज्म बताऊंगा कि कैसे शरीर हमको सिखाता है कि कैसे जीना चाहिए। मैं कभी कभी सोचता हूँ शरीर के बारे में कि वंडरफुल शरीर हमको मिला हुआ है जो हमको बहुत सारी बातें सिखाता है। तो एक विजडम मैं शरीर का बताऊंगा जो हमको सीखने जैसा है, खास करके इस समय की मानसिक समस्याओं को लेकर, कि हम जब भी सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो शरीर तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकता है। तो ऑक्सीजन हमारे लिए अच्छा है, कार्बन डाइऑक्साइड अच्छा नहीं है तो बाहर फेंक देता है उसी क्षण। फिर दूसरा, जब भी हम लिक्विड्स लेते हैं, पानी, जूसेस या सूप या और कोई भी लिक्विड हम लेते हैं, तो लिक्विड बॉडी के अंदर जाता है, शरीर उसको जो चाहिए वो लेता है और जो नहीं चाहिए वो यूरिन के द्वारा शरीर 4-6 घंटे में बाहर फेंक देता है। दिस इज इंटरेस्टिंग। तीसरा जो है कि जो भी हम भोजन खाते हैं, सॉलिड्स लेते हैं, तो सॉलिड्स में को भी शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है जो उसको चाहिए, और जो नहीं चाहिए वो मल के द्वारा बाहर फेंक देता है। तो ये एक्सक्रीशन का जो कार्य है ये मूलाधार चक्र के साथ जुड़ा है, और मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा। आप कल्पना करो, लोगों को कल्पना करने में भी डर लगता है कि आप सिर्फ खाते जा रहे हो लेकिन शरीर उसको बाहर नहीं फेंक रहा है, अंदर ही पड़ा है। तो एक दिन, दो दिन, आप कल्पना करो कि आपके बाउल्स मूव नहीं हो रहे हैं तो कैसा फील होगा। मेरे पास जो भी केसेस आते हैं, मैं देखता हूं कि बहुत समय से उनके अंदर बहुत सारी बातें पड़ी हुई है, और ये बातों की वजह से उनका मेंटल हेल्थ अफेक्टेड है। तो ये चक्र क्या करता है, हमको एम्पावर करता है कि हमारे अंदर जो बातें पड़ी हुई है उसको हम बाहर फेंके, और तभी हम शक्तिशाली बन सकते हैं। इसलिए ये चक्र जिन लोगों में इम्बैलेंस होता है वो कांस्टेंट इनसिक्योरिटी में रहते हैं, उनको हमेशा डर लगा रहता है, उनको चिंता लगी रहती है, वो अनस्टेबल रहते हैं, उनका सामान में कमी रहती है, और लौकिक बीमारियों के रूप में देखा जाए तो उनको एनीमिया रहते हैं, अंडरवेट होते हैं या ओवरवेट होते हैं, दे आर कॉन्स्टिपेटेड। तो इस तरह से ऋषि मुनिया ने इस चक्र के साथ जोड़ा हुआ है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इस चक्र के बारे में बैलेंस करने के लिए हमको फोकस रहना बहुत जरूरी है। प्रेजेंस में रहेंगे, प्रेजेंट मोमेंट में, और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। कई लोगों को ये चिंता लगी रहेगी कि मैं सर्वाइव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ये चक्र हमको रिस्पॉन्सिबल बनाना सिखाता है, रिलायबल बनाना सिखाते हैं, सेंस ऑफ बिलोंगिंग होते हैं, और वी आर ऑलवेज ग्राउंडेड एंड कनेक्टेड टू द सेल्फ एंड अदर्स। ये भी इस चक्र का कमाल है। ये चक्र खुद का ध्यान रखना सिखाते हैं और जीने की शक्ति देता है। जैसे मैं देख रहा हूँ इस समय बहुत लोग सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उनकी जीने की शक्ति खत्म हो जाती है। अभी इस चक्र में जब प्रॉब्लम आते हैं तो कौन से बीमारियां आ सकती है, तो डिफिकल्टी इन स्लीपिंग इस समय का जो प्रॉब्लम है वो इस चक्र के साथ जोड़ा गया है। सभी बॉवेल्स इश्यूज, माना इंटेस्टाइन के साथ जुड़े हुए इशू है, वो इस चक्र के साथ जुड़े हुए हैं। वेट गेन एंड वेट लॉस, वीक इम्यूनिटी, और एक कॉन्स्टेंट मैं स्ट्रेस में काम करता हूँ तो मैंने कॉन्स्टेंट लक्षण देखा है कि थकावट, फटीग फॉर नो रीजंस। आपके रिपोर्ट सब नॉर्मल है लेकिन फिर भी आप थके हुए हैं विदाउट ऑब्वियस रीजन, तो इस चक्र के अंदर इम्बैलेंस की वजह से है। और सभी लोअर बॉडी के इशू, माना कमर से नीचे सभी लोअर बॉडी, माना दोनों पैर उसमें आते हैं, लोअर बैक, लेग्स, फीट, नीज एंड द बेस ऑफ द स्पाइन,
ये सब इस चक्र के इम्बैलेंस के वजह से होते हैं। जैसे ही आपने इस चक्र को एम्पावर किया, बैलेंस किया, तो ये इश्यूज निकल जाते हैं। और उसके लिए हम मेडिटेशन करने वाले हैं कि कैसे इस चक्र के इश्यूज को हम ठीक कर सकते हैं। ये फिजिकल इश्यू के साथ इमोशनल इश्यू हमने देखा, डिसोसिएटेड होते, इरेटिक बिहेवियर होता है, लैक ऑफ मोटिवेशन होता है जिन लोगों में ये चक्र ब्लॉक रहता है, और मेयरली सर्वाइवल मोड पे रहते हैं, निगेटिविटी बहुत रहती है, साइनिसिज्म, दूसरों का दोष निकालने की आदत होती है, ये इमोशनल इश्यूज है। स्पिरिचुअल इश्यूज, ट्रस्ट का इशू रहता है इन लोगों में जिनका ये चक्र इम्बैलेंस में रहता है, कि उनको लगता है कि मेरा पता नहीं क्या होगा भविष्य में, है ना, ये पृथ्वी मेरे को संभाल पाएगी कि नहीं, और मेरा है इस विश्व के ड्रामा में कोई रोल है या नहीं, क्योंकि लो सेल्फ एस्टीम होती है, डाउट रहता है, क्योंकि उनके पास शक्ति ही नहीं है, और उनके अंदर क्राइसिस ऑफ फेथ होता है, लॉस ऑफ विल होता है, ये स्पिरिचुअल इश्यूज है। अगर आप देखेंगे तो इस समय मेजॉरिटी लोगों में ये तीनों इश्यूज है, फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, क्योंकि मेजॉरिटी लोग आर नॉट कनेक्टेड विद दिस चक्रा, स्टेबल नहीं रहते हैं, अनस्टेबल रहते हैं, इनसिक्योर रहते हैं, इसलिए ये चक्रा को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है, और इस चक्र को ग्रह के साथ भी जोड़ा गया है, कुछ लोग इसको मार्स के साथ जोड़ते हैं। अभी हम इस चक्र के बारे में थोड़ा डिटेल में जाएंगे, और जैसे ब्रह्मा कुमारी में बताया जाता है, हम मेडिटेशन के साथ संकल्प करते हैं, तो बहुत लोग कहते हैं कि केवल ऐसा सोचने से थोड़ी होता है, केवल आप सोचोगे मैं शक्तिशाली हूँ उससे क्या होता है, नहीं, आज का साइंस इसको एक्सेप्ट करता है, इसको कहते हैं सेल्फ एफर्मेशन। इसके ऊपर स्टडी हुई है कि जो लोग एफर्मेशंस को अच्छी तरह से करते हैं, उससे हमारा तनाव कम होता है, वेलबींग बढ़ता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़ता है, और बिहेवियर चेंज होता है। बिहेवियर चेंज माना आपके अंदर से एक मोटिवेशन आता है कि आप अपने जीवन को बदले, दृष्टिकोण को बदले। मैंने एक रिसर्च में पार्टिसिपेट किया, आपने सुना होगा कैड रिसर्च जो मधुबन में चलता है, तो उसमें हमने विशेष ये देखा कि हार्ट के मरीज, अभी हार्ट वालों को पता होता है कि एक्सरसाइज करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, लेकिन वो लाइफस्टाइल में चेंज लाने की जो शक्ति होती है वो उनके अंदर नहीं होता है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एडियरेंस टू लाइफस्टाइल चेंजेस। और हमने देखा जैसे ही राजयोग मेडिटेशन किया तो उनका एडियरेंस टू लाइफस्टाइल मोटिवेशन, लाइफस्टाइल चेंज, वो बढ़ गया, और उसको हमने मेजर किया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फर्क हमने देखा कि जो लोग लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए अपनी जीवन पद्धति में परिवर्तन लाते, वेदर इट इज डाइट, वेदर इट इज एक्सरसाइज, वेदर इट इज मेडिटेशन, वो बढ़ता है, और उसमें सेल्फ एफर्मेशन बहुत काम करता है। और सेल्फ एफर्मेशन देखा गया है कि आपके सेल्फ वर्थ को बढ़ाता है, कि मैं एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति हूं, ऐसे नहीं, इगोइस्टिक नहीं, कुछ लोग समझते हैं मैं ही अच्छा हूं, तो वो ईगो हो गया, है ना, मैं भी अच्छा और बाकी सभी भी अच्छे, तो हेल्दी सेल्फ एस्टीम की बात कर रहे हैं, और अपने कोर वैल्यूज के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसके वजह से हमारा व्यू ब्रॉड हो जाता है, और पीपल मूव बियॉन्ड स्पेसिफिक थ्रेट्स टू सेल्फ इंटीग्रिटी और सेल्फ कॉम्पिटेंस। तो अपने अंदर की कमी कमजोरियों को हम दूर करके बहुत आगे जा सकते हैं, ऐसे साइंस कह रहा है, ये डेटा है, साइंटिफिक स्टडी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी आपको संकल्प शक्ति, विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन, इसको कंबाइन करके हम इस चक्र को ओपन करने वाले, अगर किसी में ये इम्बैलेंस है, ब्लॉक है, या लो एनर्जी वाला है, थोड़ा और साइंस की बातें मैं डाल रहा हूं, कि जब भी हम संकल्प या थॉट्स को यूज करते हैं, हमारे ब्रेन के अंदर चेंजेस होते हैं, ये स्टडीज से बताइए, एफएमआरआईज है, फंक्शनल एमआरआई इमेजेस है, कौन से एरिया एक्टिवेट होते हैं, तो ये जो आप अभी, मैं कैसे बताऊं, ये हमारा ब्रेन है, तो ब्रेन के आगे की तरफ वेंट्रल और मेडियल,
ये पीएफसी, ये आगे का हिस्सा जो हमारा है इसको कहते हैं पीएफसी। पीएफसी माना प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द ब्रेन है। इस समय दुनिया में मैं ज्यादा प्रॉब्लम क्या देख रहा हूँ कि लोगों को पता है क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन जिसको हम कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन पैरालिसिस, तो इम्प्लीमेंटेशन पैरालिसिस या कर्मों में लाने के लिए उनके पास जो एनर्जी चाहिए वो नहीं होती, और ये लाने वाला ये हिस्सा है और ये एक्टिवेट होता है। फिर एक वेंट्रल स्ट्राइटम होता है अंदर की तरफ, ये दोनों हिस्से एक्टिवेट हो जाते हैं सेल्फ एफर्मेशन से। तो जिसको हम ब्रह्मा कुमारी इसमें कहते हैं स्वमान का अभ्यास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट है, बहुत लोगों ने बहुत अच्छा कहा हुआ है। स्पोर्ट्स में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, इसको पिप टॉप कहते हैं, खुद को पॉजिटिव थॉट्स देते जाना, इससे हमारा ब्रेन एक्टिवेट होता है और हम वो कर्म करने लगते हैं। तो रूट चक्र के लिए हम कौन से एफर्मेशंस लेंगे, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, समय के अभाव से हम सभी में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा मेडिटेशन करें, मेडिटेशन की गहराई में जाए, लेकिन कुछ थॉट्स जो लिए हुए हैं अवेलेबल है, बहुत सारा इसके ऊपर लिटरेचर है, एक एक थॉट की गहराई में जाकर इसको फील करना चाहिए कि आई एम कनेक्टेड एंड ग्राउंडेड थ्रू द अर्थ, मैं इस पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। आप देखेंगे कि रूट चक्र को ओपन करने के लिए बहुत सारी बातें बताई जाती है बैलेंस करने के लिए, उसमें से एक एक्सरसाइज है जो आज के मॉडर्न साइंस के लोग भी कहते हैं, वो है घास के ऊपर चलना। पहले के लोग घास के ऊपर चलते थे, उनका जमीन के साथ कनेक्शन होता था, क्योंकि ये रूट चक्र का जो एलिमेंट है वो है पृथ्वी, और इसका जो सेंस है वो है स्मेल। तो पृथ्वी एंड सेंस ऑफ स्मेल, ये कनेक्टेड है रूट चक्र के साथ। तो आपका धरती के साथ कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है, और यहीं पे आज का मानव मैं कमजोर दिखाई दे रहा है मुझे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बाहर जाते हैं तो हम चप्पल पहनते, शूज पहनते, घर में भी आजकल चप्पल पहनने लगे, किचन का चप्पल अलग होता है, बेडरूम का अलग होता है, बाथरूम का अलग होता है। तो धरती के साथ हमारा कांटेक्ट कम होते जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जहाँ पे ठंडी है वहां पर भी ये करो, आपकी कैपेसिटी नहीं है, हालांकि मैं इसके ऊपर भी थोड़ा बताना चाहूंगा कि योगा में ऐसे बताया हुआ है कि आप अपने बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं। ये जो ईड़ा पिंगला नाली हम देखने वाले हैं अभी, इसमें ये पावर है कि आप अपने बॉडी के टेम्परेचर को कॉन्शियसली बढ़ा सकते हैं। अभी बिंग अ डॉक्टर हमको थोड़ा साइंस के बारे में पहले बताएंगे। आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, वीडियोस आर अवेलेबल, खास करके तिब्बतन मॉन्क्स के ऊपर ये हुआ है जो बर्फ वाले पहाड़ी में रहते हैं। तो उसमें क्या दिखा है कि जो शूटिंग लेने वाले हैं ये मॉन्क्स के ऊपर, उन्होंने बहुत डबल ट्रिपल गर्म कपड़े पहने हुए हैं और वो कैमरा लगा के बैठे हैं, और जिनका शूटिंग ले रहे हैं वो मॉन्क्स केवल धोती पहन के आए हैं, ऊपर भी उन्होंने कुर्ता नहीं पहना है, और वो आके सीधा बैठ जाते हैं ध्यान में। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। बाहर माइनस टेम्परेचर है, बाहर बर्फ गिर रहे हैं, लेकिन इनको बिल्कुल ठंडी नहीं रहती। हमारे भारत में भी हिमालय में ऐसे ऋषि हैं, जिसका भी वीडियो आपको नेट पर मिलेगा, कि वहां पे बर्फ जैसे ठंडे पानी से वो स्नान करते हैं। तो ये लोग को ठंडी क्यों नहीं लगती? क्योंकि एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप अपने शरीर का टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। बहुत सारे संतों के बारे में भी वर्णन है। महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर होके गए, जिनको परमात्मा मुरली में याद करता है, तो उनके बारे में ऐसे कहते हैं कि जब सोसाइटी ने उनको बायकॉट किया तब उनको घर में चूल्हा नहीं जला सके थे वो, तो उनकी जो छोटी बहन है उसको रोटी सेकनी थी, अभी किसके ऊपर सेके, तो वो ज्ञानेश्वर दोनों हाथ के ऊपर झुक जाते और कहते मेरे पीठ के ऊपर सेको, मेरे पीठ के ऊपर काफी गर्मी है। तो वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को इतना बढ़ा लेते कि रोटी भी सेक लेते हैं। नाउ इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। जो सूर्य नाड़ी के बारे में हमने कहा, हमारे शरीर के अंदर
एक सूर्य नाड़ी है और एक चंद्र नाड़ी है, तो राइट नोस्ट्रिल और लेफ्ट नोस्ट्रिल, तो आप ये प्रयोग कर सकते हैं, आप खुद चेक करके देख सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि अंडर गाइडेंस करें, क्योंकि जब गर्मी बहुत बढ़ जाती है तो उसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है। इवन भगवत गीता भी इसके बारे में कहता है, भगवत गीता के दूसरे अध्याय में जो सांख्य योग है उसमें 14वां श्लोक है, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्या ताम तितिक्षस्व भारता। माना परमात्मा कहते हैं कि ये ठंडी और गर्मी ये आती जाती रहती है और तुमको इसको सहन करना है। मुझे श्लोक मोटिवेट करता है क्योंकि मुझे ठंडी से पहले तकलीफ था, लेकिन ये श्लोक के वजह से मैं सोचने लगा इसके ऊपर कि कैसे ऋषि मुनि हिमालयों में जहां पर कुछ नहीं है वहां पर ये कैसे साधना करते हैं, तो उनके पास ये विधि है एंड इट इज पॉसिबल थ्रू सूर्य नाड़ी। मैं वो टेक्निक यहाँ नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर आपने गलत तरीके से किया तो आपको तकलीफ हो सकती है, बाकी आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं। बट मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि हमारा टच पृथ्वी के साथ पहले जैसा नहीं रहा, इवन ठंडी भी है आप अपने बॉडी को टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं। कई लोगों को ठंडी सहन नहीं होते, कई लोगों को गर्मी सहन नहीं होते, इसका समझने का इसका मतलब कि उनके ये दोनों नाड़ी में इम्बैलेंस है, उसको बैलेंस में लाके आप ये ठंडी गर्मी दोनों में सहन कर सकते हैं। आई एम पीसफुल विथ मटेरियल वर्ल्ड इन विच आई लिव। अभी कई लोगों में बिलीफ सिस्टम है जिसको परमात्मा ने भी हमको मुरली में बताया कि वो समझते हैं कि धन है वो माया है, तो मटेरियल वर्ल्ड इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग ऐसे कहा गया, और कोई ज्यादा पैसा कमाता है तो कहते ये मटेरियलिस्टिक है, ऐसा नहीं है। और जिसका रूट चक्र बैलेंस में है वो मटेरियल वर्ल्ड के साथ पीसफुल रह सकता है। हमको हमेशा मालिक बनकर रहना है, धन माया नहीं है, धन इज अ न्यूट्रल एनर्जी, उसको यूज करने वाले के ऊपर है किस तरह से यूज होता है। अभी बहुत सारे मंदिर बने हैं, गुरुद्वारा मस्जिद बने हैं, इवन अवर सेंटर्स बड़े धन की वजह से बने हैं ना, तो मटेरियल वर्ल्ड के साथ पीसफुल रहना ये बहुत जरूरी है। कई लोगों का ये बिलीफ होता है कि स्पिरिचुअल व्यक्ति माना गरीब व्यक्ति, ऐसा नहीं है। आई हैव अ हेल्दी बॉडी, द यूनिवर्स विल ऑलवेज प्रोवाइड मी। ये जो इनसिक्योरिटी रहती है, सर्वाइवल थ्रेट होता है, तो ये क्यों होता है, क्योंकि ये चक्र में इनबैलेंस रहते हैं। एट दिस मोमेंट आई एम स्टेबल एंड ग्राउंडेड, आई विस्टैंड द ऑब्स्टेकल्स ऑफ लाइफ एज आई रिमूव व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स मी, आई ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ। कई बार डाउट आता है कि मेरा क्या होगा आगे, तो ये रूट चक्र को कमजोर करेगा। आई ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ, माय रूट चक्र इज बैलेंस, आई एम सेफ एंड ग्राउंडेड, आई फील प्रोटेक्टेड इन दिस वर्ल्ड। कई लोगों को लगता है कि मेरे पास प्रोटेक्शन नहीं है, आई एम एट होम, वेर एवर आई एम ऑल इज वेल इन माय वर्ल्ड, आई डिजर्व टू बी सेफ एट ऑल द टाइम्स, आई एम सपोर्टेड बाय द मदर अर्थ, आई एम डीपली रूटेड, मेरी जड़ें बहुत गहरी है, आई एम सेफ एंड सिक्योर, रूटेड इन द प्रेजेंट मोमेंट, स्ट्रॉन्ग स्टेडी एंड ग्राउंडेड, आई हैव एक्सेस टू ऑल द रिसोर्सेस आई नीड टू सर्वाइव एंड थ्राइव। इवन व्हेन द वर्ल्ड अराउंड मी फील्स कैओटिक, आई रिमेन रूटेड फर्मली टू द ग्राउंड। ये मैं बार बार कह रहा था कि जो परमात्मा के महावाक्य हमको मिले हुए हैं कि तूफान भी तोहफा बन जाता है जब आप रूट चक्रा में ग्राउंडेड होते हैं। ऑल माई नीड्स आर ऑलवेज मिल्ड, आई फील सेफ इन द बॉडी। और कई लोगों को मैं देखता हूँ सुबह उठते ही वो डिप्रेशन में रहते हैं, उनको उठने का ही दिल नहीं करता है, पता नहीं आज का दिन कैसे जाएगा, आज क्या होने वाला है, क्योंकि उनके थॉट्स नेगेटिव रहते हैं। सो ये एफर्मेशन उनके लिए है, आई वेक अप एवरी डे फीलिंग स्ट्रॉन्ग, एनर्जाइज एंड एम्पावर्ड, एज द सन राइजेस सो डज माई एनर्जी, आई फील सिक्योर इन माई प्लेस इन माई लाइफ, I am always supported and protected, I feel peaceful, grounded and secure,
Like a tree, I am rooted firmly to the earth. I am grateful to know that I am always deeply loved and supported by the universe. I deeply appreciate my ability to remain calm and peaceful in all the situations. आपको लग सकता है कि कई बार repetition हो रहा है, लेकिन ये बहुत जरूरी होता है affirmation में. I am grateful for the abundance of strength that radiates throughout my entire body. I build my life on the foundation of faith, peace, love, and trust. I am whole, complete, and exactly as I am. I am healthy and vibrant. Jitna chota affirmation hoga, utna acha rahega. I am deeply and safely connected to my body and earth. I feel the ground firmly beneath my feet. Ye body ke sath connection bhi bahut zaruri hai, kyunki aur ek main dekh raha hu, kuch log body ko pati jo drishtikon hai, वो लोगों का निगेटिव है, वो समझते ये गंदा शरीर है. अभी योगियों को बताया गया है कि वैराग्य होना चाहिए, शरीर में बुद्धि नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसका अदर साइड भी है जो हमको परमात्मा ने बताया कि बलिहारी इस शरीर के द्वारा आपको परमात्मा मिला. दुनिया में मान्यता है कि शरीर के बगैर आप जीवन का आनंद नहीं ले सकते हैं. हालांकि आनंद के भी अलग अलग स्टेजेस है, फ्रॉम लोअर टू हायर जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, जिसको मैंने अर्ली से लेटर कहा हुआ है. तो आपको हायर प्लेन्स ऑफ कॉन्शियसनेस में जाना है या ऊंची अवस्था में जाना है, तो शरीर के साथ कनेक्टेड होना बहुत जरूरी है. शरीर आपका हेल्दी होना बहुत जरूरी है. आई फील द ग्राउंड फर्मली बीनीथ माई फिट. अभी आप बैठे हो कुर्सी के ऊपर, कैन यू फील दैट यू आर कनेक्टेड टू द ग्राउंड बिलो यू. कई लोग अवेयर नहीं होते, और जैसे हम अवेयर होते हैं तब हम ये कॉन्स्टेंटली एक्सरसाइज जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ वो हम कर सकते हैं. ऑनर द टेम्पल ऑफ माई बॉडी विद डीप केयर एंड रेवरेंस. शरीर एक मंदिर है, जैसे ब्रह्मा कुमारी इसमें बताया जाता है, और आत्मा इसके अंदर एक ज्योति है या शरीर रूपी मंदिर में देवता है. तो शरीर को स्वच्छ रखना, शक्तिशाली रखना हमारे हाथ में है. आई ओपन टू लाइफ्स अपॉर्चुनिटी एंड कमिटेड टू फुलफिलिंग माई लाइफ्स पर्पस. आई एम फाइनेंशियली सिक्योर, ऑलवेज प्रोवाइडेड फॉर एंड टेकन केयर ऑफ. ये सभी एफर्मेशंस रूट चक्रा के साथ जाते हैं. तो हम अभी मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि मैं चाहता था थोड़ा मेडिटेशन के लिए हम समय दें. अच्छा, ये बहुत सिंपल एफर्मेशंस और है. आई एम स्टेबल, लव, कॉन्फिडेंस, स्ट्रांग, नरिश, प्रोटेक्टेड, सक्सेसफुल, इन कंट्रोल, अवेक एंड वेल्दी. अर्थ सपोर्ट्स मी, डीपली कनेक्टेड, ऑल इज वेल. आई स्टैंड टॉल ऑन माय एंसेस्टर्स शोल्डर्स. आई हैव द स्ट्रेंथ टू क्रिएट अ वंडरफुल लाइफ एंड आई हैव द करेज एंड पावर टू क्रिएट अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड. आई लव माई लाइफ. आई एम स्टेबल माइंडेड. I trust myself, earth and the universe. I am grateful and I am strongly rooted in the earth. तो हम यहाँ से एग्जिट करके हम फुल स्क्रीन में आएंगे. एक एक्सरसाइज आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम एक विहासा जो प्रोग्राम करते हैं डॉक्टर्स के लिए, उसमें एक एक्सरसाइज कंपैशन मॉड्यूल में आती है. उसमें उस एक्सरसाइज का नाम ही है स्टैंडिंग लाइक अ ट्री. और आप में से जो भी हीलिंग करते हैं उनको पता होगा कि हीलिंग जब हम करते हैं, अलग अलग तरीके से हीलिंग करते हैं, तो हम उसमें ग्राउंडिंग करते हैं. ग्राउंडिंग इज अ वर्ड जो हम यूज करते हैं. तो जो भी एनर्जी है, क्योंकि हीलर को हमेशा ये ध्यान में रखना होता है कि सामने वाली व्यक्ति की निगेटिव एनर्जी आपके पास नहीं आनी चाहिए, तो हम उस एनर्जी को लेते हैं जब हम चक्रा को क्लींस करते हैं या हील करते हैं. वो एनर्जी को लेके हम धरती की ओर भेज देते हैं, क्योंकि धरती के अंदर ये ताकत है जो ये एनर्जी को सक कर सकती है. आपने वायर्स जो होते हैं, वायर्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स, उसमें भी सुना होगा कि एक अर्थिंग होता है. वो अर्थिंग का काम क्या होता है? वो अर्थिंग पूरा करंट को धरती के अंदर खींच लेते हैं. इवन बड़े बड़े टावर्स में जब वो बिजली गिरती है तो उसको भी धरती की तरफ खींच लेते हैं, क्योंकि धरती के अंदर ये पावर है टू अब्सॉर्ब. तो ये ग्राउंडिंग करना बहुत जरूरी होता है. तो एक बहुत सिंपल हम एक्सरसाइज करेंगे जिससे हम मूलाधार चक्र को पावरफुल कर सकते हैं. और जैसे कि मैंने बताया कि इसका काम है एक्सक्रीशन, क्योंकि बॉवेल्स के साथ जुड़ा हुआ है, निगेटिविटी को बाहर जाना.
तो ये विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज है, बहुत इफेक्टिव है। सिर्फ कुछ बातें मैं बताना चाहूंगा। कुछ लोग विजुअलाइज कर नहीं पाते हैं क्लियरली, वो कहते हैं हमको कुछ दिखाई नहीं देते। जैसे कुछ लोग जब सपने देखते हैं वो कलरफुल सपने देखते हैं, और कुछ लोग जो सपने देखते हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं, तो उनको लगता है कि उनके अंदर प्रॉब्लम है। नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर देख सको तो ब्लैक एंड व्हाइट भी देख सकते हैं। यूजुअली ब्लैक कलर को निगेटिविटी के साथ जोड़ा गया और व्हाइट कलर को पॉजिटिविटी के साथ जोड़ा गया। ये भी गलत है, दीज आर परसेप्शंस, बट विजुअलाइजेशन के लिए हम इसको लेते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम हमारे अंदर की जो निगेटिव एनर्जी है उसको ब्लैक एनर्जी के रूप में देखेंगे और पॉजिटिव एनर्जी को व्हाइट एनर्जी के रूप में देखेंगे। और क्या करेंगे, हम विजुअलाइज करेंगे कि मेरे अंदर जो भी ब्लैक एनर्जी है वो ऊपर से नीचे जमीन की तरफ जा रही है मेरे पैरों के अंदर से, और जितनी ये ब्लैक एनर्जी मेरे अंदर से बाहर जा रही है अर्थ में, जो शब्द बार बार आ रहा था कि आई एम रूटेड, आई एम ग्राउंडेड, तो वो एनर्जी मेरे अंदर से बाहर इस धरती की तरफ जा रही है और धरती में समाते जा रहे हैं। एंड आई एम बिकमिंग फ्री ऑफ द निगेटिव एनर्जी, आई एम स्टेबल एंड आई एम रूटेड इन माई पावर्स। मैं स्थिर हो चुका हूँ और स्टेबल हूँ, एंड आई एम रूटेड इन दिस चक्रा। और फिर हम इसको एनर्जी देंगे, जो हमने रेड कलर देखा। आपको थोड़ा सा साइकोलॉजी के बारे में बता दूं कि जो खून बढ़ाने की गोलियां रहती है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी इसके ऊपर गेम करती है, वो खून बनाने की जो गोलियां है, हिमेटिनिक्स कहते हैं जिसको, वो गोलियां भी लाल कलर की बनाते हैं। वो लाल कलर की क्यों बनाते हैं, क्योंकि पेशेंट भी सोचता है ये लाल गोली है, ये मेरे बॉडी में जाएगी तो मेरा खून बढ़ेगा करके, तो खून लाल कलर का होता है। तो हम इस लाल कलर को विजुअलाइज करेंगे, और वो जो लोकेशन बताया है रूट चक्र का, उसके ऊपर ध्यान लेकर जाएंगे और फिर उसको एम्पावर करेंगे। लास्ट में थोड़ा बता के हम मेडिटेशन चालू करेंगे कि ये क्यों जरूरी है कि हमारा रूट चक्र पावरफुल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हमारी एनर्जी उठती है ऊपर की तरफ। जैसे हम आगे के चक्रास में जाएंगे इसको क्लियर हो जाएगा। एक शब्द इन शास्त्रवादियों ने या योगा थेरेपी वालों ने इस्तेमाल किया है, आपने भी सुना होगा, वो कहते कुंडलिनी नाम की शक्ति है। अगर आप शरीर का पोस्टमार्टम करते हैं तो आपको कुंडलिनी वगैरह नहीं दिखेगा, वहां पे आपको प्लेक्सस दिखाई देंगे। तो ये कुंडलिनी क्या है, तो इसका वर्णन ऐसे आता है कि ये 3.5 टन कुंडल, माना 3.5 सर्कल, 1, 2, 3 और आधा, और वो स्नेक्स के साथ इसकी तुलना की हुई है कि वो हमारे बेस ऑफ स्पाइन में है। तो जब योगी लोग साधना करते हैं तो वो इस एनर्जी को वहां से जगाते हैं, तो ये सर्प की तरह जागृत होती है इड़ा और पिंगला नाड़ी, और जहां जहां ये प्लेक्सस है वहां पे वो क्रॉस होके अलग जाती है और फिर लास्ट में आती है यहाँ पर, और तब हमको दिव्य दृष्टि होते हैं, साक्षात्कार होते हैं, और फिर सहस्त्रार शक्ति से बाहर जाती है विश्व के साथ, जिसको कहा गया यूनिटी कॉन्शियसनेस या कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, या जिसको परमात्मा कहते हैं कि बेहद में चले जाना। जैसे बेहद में रहता है परमात्मा, वैसे वो आत्मा भी बेहद में चले जाती है। तो ये पॉसिबल है थ्रू मेडिटेशन। एक्चुअली ऐसे कोई शक्ति नहीं है, इसका भावार्थ समझना चाहिए। इसका भावार्थ ये है कि हम बॉडी कॉन्शियसनेस में हैं, हम भारी है, इस तत्वों के साथ जुड़े हुए हैं, ये तत्व हमको बांधते हैं। जैसे जैसे हम आत्मा का अनुभव करने लगते हैं, जैसे जैसे हम बॉडी कॉन्शियसनेस से बाहर आने लगते हैं, ये तत्वों का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है और हम इससे परे चले जाते हैं। यही इसका भाव है। कुंडलिनी शक्ति माना आत्मा की शक्ति जागृत होना, और बॉडी कॉन्शियस से परे आप अशरीरी बॉडीलेस स्टेज में चले जाना। इट्स सो सिंपल, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। हालांकि इसका बहुत पोएटिक वर्णन कुछ शास्त्रों में किया हुआ है,
कि क्या क्या होता है जब ये जागृत होती है, तो बहुत कुछ होता है, ये और कुछ नहीं है, दीज आर ऑल एनर्जीज। कुछ लोगों में एनर्जीज ये एक्टिवेट होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक अनुभव सुनाता हूं, तब आप समझ पाएंगे। जब हम ये रिसर्च कर रहे थे मधुबन माउंट आबू में कैड का, तो शुरुआत में केवल 8 लोग बैठे थे, 8 लोग, मानो इतने पेशेंट नहीं आते थे। जिस पेशेंट को हार्ट अटैक आया वो और उसकी पत्नी, ऐसे 8 पेयर्स, और हम केवल मेडिटेशन ही करते थे घंटों तक मेडिटेशन करते थे। हमारे मधुबन के जो महारथी है, आदरणीय शिलू दीदी है, सूरज भाई है या रामनाथ भाई है, जो भी आते थे, हम स्टेज पर बैठ के उनको मेडिटेशन में लेके जाते थे। नॉलेज कम सुनाते थे हम, साधना ज्यादा करते थे। ये बात है 1998 की। तो मैंने क्या देखा कि एक बार हम ऐसे मेडिटेशन में बैठे तो एक हार्ट अटैक वाला पेशेंट जिसके तीनों आर्टरीज ब्लॉक थी, और जैसे हम डीप साइलेंस में गए तो वो रोने लगा, वो कंटिन्यूसली रो रहा था। तो ये क्या हुआ, वो रोना क्यों चालू किया, और फिर वो बहुत देर तक साइलेंस में रहा, वो बोल नहीं पाया क्या हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं जब हमारे अंदर जो ब्लॉकेजेस है वो ओपन अप हो जाते हैं, देयर इज सडनली रिलीज ऑफ द एनर्जी, जिसको हम कहते हैं कैथारसिस। आपके अंदर जो पेंट अप इमोशंस है, बहुत समय का ब्लॉकेजेस है, वो ओपन अप हो जाता है। तो ऐसे अनुभव होते हैं, तो ऐसे अलग अलग अनुभव हो सकते हैं, और बहुत लोगों को होते भी है जो मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं अलग अलग। तो अभी हम ये ग्राउंडिंग एक्सरसाइज या अर्थिंग का एक्सरसाइज करने वाले हैं, जिसको मैं राजयोगा के साथ में जोड़ूंगा, क्योंकि ये हमारे विहासा में भी एक्सरसाइज दिया गया, और मेरे हिसाब से इसको अगर रूट चक्र मेडिटेशन के साथ जोड़ेंगे तो हमको बहुत सारा फायदा हो सकता है। सो लेट्स डू दिस मेडिटेशन फॉर नेक्स्ट 15 to 20 minutes। तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे, थोड़ा साउंड के बारे में बताना मेरा रह गया। इसका जो साउंड है वो साउंड दिया गया है, क्योंकि मैं इन चीजों में ज्यादा नहीं गया, लम करके साउंड है। अभी ये थोड़ा साउंड थेरेपी के बारे में बताता हूँ। ये सब साउंड है, ये हीलिंग थेरेपी है, इसको साउंड मेडिटेशन कहते हैं, और इसका भी इफेक्ट है। मैं थोड़ा ईश्वरीय ज्ञान के साथ इसको जोड़ना चाहूंगा। परमात्मा जब इस धरती पर आए तो आपको पता होगा ब्रह्मा कुमारी का पहला नाम था वो ओम मंडली था। ब्रह्मा कुमारी नाम तो बाद में दिया गया, ओम मंडली क्यों, क्योंकि बाबा ओम की ध्वनि करते थे, और जैसे ही ओम की ध्वनि करते थे तो बहुत सारे बाबा के बच्चे ट्रांस में चले जाते थे, बहुत लोगों को साक्षात्कार होता था। तो ये आपने हिस्ट्री में सुना होगा। अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ओम में 3 शब्द होते, अ उ म। और अगर आप मेरा मुरली रहस्य सुनते हैं तो मुरली रहस्य के शुरुआत में मैं लंबा ओम की ध्वनि करता हूँ, और ये बहुत मेरा खुद का अनुभव है कि जैसे ही आप ओम करते हो, ओम की ध्वनि करते हो, तो आप ये बॉडी से बाहर आने लगते हो, क्योंकि अ जो है आपको लोअर लिम्ब से डिटैच करता है, ओ है यहाँ पे जाता है, और म जो है, ये जो मकार जो है म, ये आपको हायर प्लेन्स ऑफ कॉन्शियसनेस में लेके जाता है। तो ये सभी जो बीज मंत्र दिए गए हैं इसके साथ में, उनका पर्पस यही है कि जो लोग एकाग्र नहीं हो पाते, जिनका माइंड पावरफुल नहीं है, वो इनका सहयोग लेके वो हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में जा सकते हैं। तो जैसे ही हम लंबा लम करते हैं इसमें, तो इस तरह से करते हैं लम, तो आपकी एनर्जी वहां से स्पाइन से उठने लगती है, और इसका भाव यही है कि आप बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस तक चले जाते हैं। हमने पहले भी देखा, जहां पर ये चक्र मेडिटेशन खत्म होता है आज्ञा चक्र पे, वहां ब्रह्मा कुमारी का मेडिटेशन चालू होता है। लेकिन ये क्यों कहा गया चक्र थेरेपी, ताकि हम लोकल एरिया को फोकस करें, एक एक क्वालिटी के गहराई में जाए, और वहां के जो भी प्रॉब्लम्स है हमारे स्पाइन के नीचे, उसको हील कर सकते हैं थ्रू दिस। कई लोग जो फोकस नहीं हो पाते, एकाग्रता की कमी होती है, उनको कलर के बारे में बताया जाता है। अभी कलर देखेंगे तो उनका ध्यान उस कलर के ऊपर जाएगा,
उनको मंत्र देंगे तो उनका ध्यान उस मंत्र में बिजी रहेगा, इसलिए मंत्र कलर ये सब दिए गए हैं। बाकी इसके बगैर भी हम इस चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सपोर्टिंग सिस्टम्स है मंत्र या कलर्स। इसके अलावा जैसे कई लोग जेम्स को इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा भी हम इन चक्रों को एक्टिवेट कर सकते हैं या इस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस से बाहर आ सकते हैं। तो लेट्स डू द मेडिटेशन फॉर रूट चक्र। हल्का होकर बैठेंगे, सिर से लेकर पांव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, हल्का रिलैक्स रिलैक्स लेट गो। आपका शरीर हल्का होते जा रहा है, शांत। बिकम अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स, बिकम अवेयर। फील द वाइब्रेशंस अराउंड यू। आपके आजू बाजू में जो भी वाइब्रेशन है उसे फील कीजिए, महसूस कीजिए। बिकम अवेयर ऑफ द एनर्जीज अराउंड यू। देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जीज। फील एनी सटल वाइब्रेशंस। बिकम अवेयर। Your awareness is increasing. Now slowly and consciously, with your willpower, detach yourself from your surrounding and focus your entire attention on your physical body. चारों तरफ से अपना ध्यान हटाकर अपना संपूर्ण ध्यान अपने शरीर के ऊपर एकाग्र कीजिए। और फील करेंगे आपके शरीर में कौन सी ऊर्जा है। Are you comfortable with the energies of your physical body? शरीर में कहां पर टेंशन है, भारीपन है, डिस्कम्फर्ट है, उसे महसूस करेंगे। और अपनी इच्छा शक्ति से allow this energy to settle. हल्का छोड़ देंगे, रिलैक्स। नाउ फोकस योर एनर्जी एट द सेंटर ऑफ द बेस ऑफ द स्पाइन। आपकी रीढ़ की हड्डी की जड़ में आप अपने ध्यान को एकाग्र करेंगे और देखेंगे कि एक लाल कलर का चक्र है, अ रेड लाइट घूम रहा है। यह हमारी बेसिक एनर्जी है, रूट चक्र है। शक्तिशाली है और इससे
मेरे दोनों पैरों के अंदर एनर्जी फ्लो हो रही है। मेरे दोनों पैरों के अंदर जो थकावट है तो वो दूर हो रही है। All the toxins in my both the lower limbs are getting washed away. महसूस करेंगे ये लाल कलर यहां से बढ़ते हुए मेरे संपूर्ण शरीर में फैल रहा है। धीरे धीरे ये लाल प्रकाश मेरे संपूर्ण शरीर में फैल रहा है। जैसे शरीर के अंदर खून बह रहा होता है, वैसे ये लाल कलर का दिव्य प्रकाश मेरे संपूर्ण शरीर में फैल रहा है। सिर से लेकर पांव के अंगूठे तक मेरा संपूर्ण शरीर इस लाल प्रकाश से भरपूर हो गया और मेरा संपूर्ण शरीर शक्तिशाली महसूस हो रहा है। इस लाल प्रकाश के अंदर बीच बीच में काला प्रकाश भी, काले रंग की निगेटिव एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। जो कि इस लाल दिव्य प्रकाश को संपूर्ण शरीर में फैलने से रोक रही है। Now become aware of the supreme energy coming from the God, परमात्मा से आपके अंदर एक दिव्य शक्ति आ रही है जो आपके मस्तक के द्वारा आपके संपूर्ण शरीर में फैल रही है और ये काले जो धब्बे है निगेटिव एनर्जी है इसको वॉश आउट कर रही है। तो ये पूरी निगेटिव एनर्जी परमात्मा की शक्ति से मेरे शरीर से निकलकर पैरों की तरफ जा रही है। वॉच द मूवमेंट ऑफ दिस निगेटिव ब्लैक एनर्जी मूविंग टूवर्ड्स योर फीट और ये एनर्जी धीरे धीरे शरीर के अंदर के सभी ब्लॉकेजेस को ओपन कर रही है और सभी ब्लैक एनर्जी निकलकर मेरे दोनों पैरों में आ चुकी है और दोनों पैरों से निकलकर धरती के अंदर जा रही है। सभी निगेटिव एनर्जी मेरे शरीर के अंदर की, मन के अंदर की निकल कर धरती के अंदर समाते जा रही है। आई एम फर्मली रूटेड इन द अर्थ। विजुअलाइज करेंगे कंटिन्यूअसली ऊपर से परमात्मा की शक्ति मेरे शरीर के अंदर के हर टॉक्सिन्स को वॉश आउट कर रही है और ये सभी टॉक्सिन्स जहरीले पदार्थ शरीर के अंदर से निकलते हुए पैर की तरफ जा रहे हैं और पैर से धरती में समाते जा रहे हैं। जैसे जैसे ये टॉक्सिन्स दूर होते जा रहे हैं, मैं और शक्ति का संचार महसूस कर रही हूं। आई एम बिकमिंग पावरफुल। मेरा संपूर्ण शरीर इस लाल एनर्जी से भरा हुआ है। I am very powerful being, totally grounded, safe and secure. मैं स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रहा हूं, स्थिर महसूस कर रहा हूं, शक्तिशाली महसूस कर रहा हूं।
मेरा मूलाधार चक्र बैलेंस में आ चुका है, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, टोटली पावरफुल, स्टेबल, सिक्योर एंड सेफ। ओम शांति। प्लीज कम बैक टू द ओरिजिनल स्टेज एंड रिलैक्स। पूर्ववत अवस्था में आएंगे एंड रिलैक्स करेंगे। थोड़ा टिप्स मैं देना चाहूंगा। हम कर्म योगी है, हमने घर बार छोड़ा नहीं है, वी आर वर्किंग प्रोफेशनल्स। तो जब भी हम खड़े होते हैं, मैं जो करता हूं आपको बताता हूं, बाबा ने 25 दिन सेवा के लिए रखा है तो पूरे भारत में जाना होता है और अलग अलग प्रकार के एनर्जीज मिलते हैं। ज्यादा करके बीमार लोग ही आते हैं तो बीमार व्यक्ति की एनर्जी निगेटिव होती है, उसमें भी मानसिक समस्या वाले लोग ज्यादा होते हैं। तो हमको खास करके जो इस हीलिंग फील्ड में है, हमको अपना ऑरा बहुत स्ट्रांग रखना होता है। पर कितना भी हम कोशिश करें, अभी डॉक्टर है वो पल्स देखेगा, बीपी लेगा, स्टेथोस्कोप लगाएगा, तो हम देखते हैं कि हम दिन भर में चारों तरफ निगेटिव एनर्जी से घिरे हुए रहते हैं। And there is one word used for doctors, we call it compassion fatigue. Doctors के अंदर एक बीमारी देखी गई है जिसको कहते हैं burnout stress syndrome. तो हम क्या करते हैं कि हमको पता है कि हमारे अंदर negative energy आ रही है, आप भी ये कर सकते हैं। बीच बीच में जब भी आप खड़े हो, धरती के ऊपर खड़े हो, दो पैरों में distance रखना है और केवल एक मिनट के लिए विजुअलाइज करना है कि मेरे अंदर परमात्मा की शक्ति आ रही है और ये जितनी भी निगेटिव एनर्जी है वो अर्थ में जा रही है। तो बीच बीच में अपने आप को शक्तिशाली करने के लिए ये अर्थिंग का अभ्यास बहुत जरूरी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अनस्टेबल रहते हैं, इनसिक्योर रहते हैं, अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं, अस्थिर रहते हैं। वो अगर ये अभ्यास विजुअलाइजेशन के साथ, एफर्मेशन के साथ करेंगे तो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आप ये करके देखो और फिर आप मुझे बताना। आपके कोई प्रश्न है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आई हैव 5 मिनट्स मोर, तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। भाई जी, कई बार ऐसे महसूस होता है कि बीमारी कोई भी नहीं है लेकिन फिर भी ड्रेन महसूस होता है, और कई आत्माओं को फिर ऐसे भी महसूस होता है कि अपनी, मतलब उसके लिए दोष भी दूसरों को देते हैं। तो जैसे आपने बताया कि हमारे जो संकल्प है वो हमारी चक्रा को और हमारी एनर्जी को इफेक्ट करते हैं, तो इसका क्या कोरिलेशन होता है कि You always feel drained and you always feel, और कई होते हैं जो उसके लिए भी दूसरों को ही ब्लेम करते हैं। सो क्या उससे हमारी एनर्जी लेवल पर, चक्रा लेवल पर उसकी इफेक्ट होती है? Yes, देखो दो बातें हैं, मैंने पहले सेशन में भी कहा था, देर आर ओनली टू थिंग्स, बॉडी एंड सोल, ठीक है ना। बॉडी सोल ये दो अलग अलग बातें हैं, दोनों का अपना इंपॉर्टेंस है। ये जो चक्रा इसलिए बताया है ताकि ये तो एडवांस स्टेज में जो साधक होते हैं वो फोकस करके इसको यूज करते हैं हीलिंग के लिए, लेकिन मैं एकदम ग्रॉस से चालू करता हूँ, एकदम ग्रॉस, ठीक है ना। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मेजोरिटी आर फीमेल्स,
ठीक है, जो भी ये सेशन अटेंड कर रहे हैं। और फीमेल में एक कॉमन प्रॉब्लम होता है कि उनका हीमोग्लोबिन कम होता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है कि आपका ऑक्सीजन देना बॉडी को, जितना हीमोग्लोबिन हमारा नॉर्मल रेंज में होगा, ऑक्सीजन अच्छा रहेगा, हमको थकावट नहीं होगी। तो ये ड्रेन्ड आउट जो है, ये जो फीलिंग है ड्रेन्ड आउट, इसका कारण फिजिकल भी है एंड साइकोलॉजिकल भी है, ठीक है ना। वी शुड नॉट जम्प टू द कंक्लूजन्स। जो व्यक्ति है, एक्सपर्ट है, उनके पास जाएंगे तो वो हिस्ट्री लेंगे आपका। फर्स्ट मैं फिर से कहता हूं, इट इज वेरी इजी टू ग्रास्प अ ग्रॉस थिंग, माना जो बड़ी चीज है उसको पकड़ना और ट्रीट करना इजी है। सूक्ष्म की तरफ जाने के लिए थोड़ा मेहनत है। जैसे ये लोग प्राणायाम वगैरह आसन बताते हैं ना, ये बहुत ग्रॉस है। आप ये पकड़ सकते हैं, सांस ऐसा लो, अंदर लो, बाहर छोड़ो, हाथ ऐसा करो, वैसा करो, लेकिन मन को पकड़ना मुश्किल है। इसलिए पहले हम कहते हैं कि रूल आउट द फिजिकल कॉज ऑफ योर ड्रेन आउट एनर्जी और टायर्डनेस, ठीक है ना। अगर फिजिकल कॉज नहीं है आपके बॉडी के अंदर, देन गो फॉर द मेंटल कॉजेस जो आपके एनर्जी को ड्रेन आउट करते हैं। तो उसमें कॉमनेस्ट फैक्टर जो मैंने देखा है वो है वेस्ट थॉट्स। वेस्ट थॉट्स आर पावरफुल ड्रेनर्स ऑफ योर एनर्जी। और कई लोग इसके बारे में जागरूक ही नहीं होते कि उनके इतने सारे थॉट्स चल रहे हैं रैंडमली। तीसरा मैं जो देख रहा हूँ, जो फिजिकल हेल्थ के साथ बता रहा हूँ, कि अगर आपका स्लीप अच्छा नहीं है, नींद अच्छा नहीं है, डीप स्लीप नहीं है आपकी, सुपरफिशियल स्लीप है, तो भी आप दिन भर में थके हुए महसूस करेंगे। तो बेसिक ये बातें हैं। तो ये हिस्ट्री से हम रूल आउट कर सकते हैं कि मेरा ड्रेन आउट होने का कारण क्या है। चौथी बात जो है कि आपके चारों तरफ जो एनर्जी है, जिस लोगों के कंपनी मैंने आज बताया, वो अगर एनर्जी, जिसको नॉट अ गुड वर्ड पर होते हैं कुछ लोग, जिसको हम कहते हैं एनर्जी सकर्स, दे सक योर एनर्जी, दे आर लाइक वैक्यूम क्लीनर। जैसे आपके पास आए, आपकी पूरी एनर्जी खींच लेते हैं वो। तो आपको ऐसे एनर्जी सकर्स कौन से हैं उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, जहां पे आपकी एनर्जी ड्रेन होती है। इसलिए हमको बताया जाता है हीलर्स को कि आप अपनी एनर्जी को हमेशा टॉप अप रखें। और जब हमारी एनर्जी लो होते हैं तब हम हीलिंग में नहीं जाते, हम स्टे अवे करते, वी टेक अ गैप। तो बीच बीच में गैप लेके अपनी एनर्जी को टॉप अप करना चाहिए, तभी आप दूसरों को एनर्जी दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा ड्रेन हो रहा है बार बार, तो उसको चेक करना चाहिए उसकी दिनचर्या के बारे में, उसका डाइट के बारे में, उसका इंटेक के बारे में, है ना, सॉलिड एंड लिक्विड बोथ, एंड योर कंपनी के बारे में। तो आपको पता चलेगा कि आपका एनर्जी कहाँ से लीक हो रहा है। इसको हम एनर्जी लीकेज कहते हैं, और इसको फिर चार्ज करना होता है। भाई जी, लोग कुंडलिनी के बारे में जो बताते हैं और कहते हैं कि कुंडलिनी जब जागृत हो जाती है या जागृत नहीं होती है, तो ये इसका क्या मन के ऊपर मेंटली असर होता है, या कुछ उसका ऑब्वियस दिखाई देता है समथिंग, कि ये कुंडलिनी की जब बात करते हैं एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस, कि व्हाट यू फील कि जब कुंडलिनी जागृत है या नहीं है, क्योंकि शायद ये जो है जरूरी नहीं है कि, क्योंकि ये पब्लिक प्रोग्राम है तो शायद किसी का इस तरह से प्रश्न है। देखो ऐसा है, मैं फिर से कह रहा हूँ, देयर आर ओनली टू एनर्जीज, बॉडीज एंड सोल, ठीक है। हमको एनर्जी को समझना पड़ेगा अच्छी तरह से। हठ योगा में ऐसे टेक्निक्स है जिसके अंदर ये लोग क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है ना। अभी हमारा माइंड इतना पावरफुल है, आप जैसा सोचोगे आपको दिखाई देगा। अगर आप मुरली में सुनते हो तो बाबा सन्यासियों का उदाहरण देता है कि मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं। तो वो जब बहुत गहराई से उसका अभ्यास करता है तो उसको बोलते हैं बाहर आओ, तो कहते कैसे आऊं मैं बाहर, मैं तो भैंस हूं। तो आप उसके साथ बन जाते, एक रूप बन जाते हैं। तो ये कुंडलिनी का वर्णन, जैसे ज्ञानेश्वरी में भी ये लिखा हुआ है कि कुंडलिनी जागृत होती है तो क्या क्या होता है, सब पोएटिक वर्णन है। ऐसे कोई शक्ति नहीं है बेस ऑफ स्पाइन में,
ये एनर्जी है जिसको समझना बहुत जरूरी है मॉडर्न साइंस के हिसाब से। तो हम सबके अंदर एनर्जी होती है, अभी ये एनर्जी एक्सेस होना भी ठीक नहीं और कम होना भी ठीक नहीं। जिनके अंदर ये एनर्जी लो रहती है वो लोग सुस्त रहते हैं, सैड रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, उनके अंदर कोई खुशी नहीं होगी, वो कुछ करना नहीं चाहेंगे। और जिनके अंदर ये एनर्जी एक्सेसिव हो जाती है तो वो सोते नहीं है, मैनियक स्टेज में रहते हैं, 3-4 दिन तक जागे रहेंगे, बहुत बातें करेंगे, है ना कुछ करते रहेंगे, क्योंकि वो एनर्जी टू मच है। तो एनर्जी लो भी नहीं होना चाहिए, टू मच भी नहीं होना चाहिए, और एनर्जी इम्बैलेंस भी नहीं होना चाहिए। एनर्जी आपके कंट्रोल में रहना चाहिए, इसी को मैं कहूंगा कुंडलिनी शक्ति को कंट्रोल में रखना। बेसिकली एनर्जी क्या है, तो एनर्जी है हमारा माइंड इज अ एनर्जी, हमारे इमोशंस आर द एनर्जी, ठीक है ना, या जिसको कहा गया हमारे संस्कार आर द एनर्जी। और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है ब्रह्मा कुमारी का नॉलेज, क्योंकि उसमें एक्शनेबल पॉइंट दिए गए हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा ऐसे समझ में नहीं आएगा, एंगर है ना, लुक एट द एंगर एज ए एनर्जी, ठीक है ना। अभी एंगर की एनर्जी जब राइज होती है तो क्या करती है, खुद को भी जलाती है, दूसरों को भी जलाती है, करेक्ट, दिस इज ऑल्सो एन एनर्जी। तो ये क्या है, ये भी कुंडलिनी है, लेकिन आप उस एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ठीक है। फिर आप डिप्रेशन का ले लो, डिप्रेशन में इतना लो एनर्जी रहते हैं कि बिस्तर से उठना ही नहीं चाहते हैं, सोए रहना चाहते हैं, खाना भी नहीं खाना चाहते, किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, और फिर एक्सट्रीम केसेस में अपने आप को खत्म करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ लो एनर्जी। तो हाई एनर्जी भी नुकसान करते है, लो एनर्जी भी नुकसान करते, लेकिन अगर हम फोकस करें इन एनर्जीज के ऊपर और अपनी एनर्जीज को ऑप्टिमम स्टेज में रखे और फिर उसको पॉजिटिव बनाए, तो हमारी एनर्जी से ना ही केवल हमारे लेकिन दूसरों के एनर्जी ब्लॉक्स को भी हम ओपन कर सकते हैं। दिस इज इन टर्म्स ऑफ एनर्जी हीलिंग जो मैं कह रहा हूँ।